सागर के राहतगढ़ के वार्ड क्रमांक 13 में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें करणजीत भारद्वाज और उनके परिवार के लोगों पर प्रीतम सिंह ठाकुर और उनके परिजनों ने लाठी डंडों और तलवार से हमला किया। गौरतलब है कि विपक्ष के लोगों का इतना दबदबा है कि इलाके में रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्या हो गया? अरे पड़ोस में हमारे जहाँ पर प्रीतम सिंह ठाकुर रहते हैं, उनका थोड़ा जमीनी विवाद था। अच्छा, तो तहसीलदार जी ने हमारे पक्ष में फैसला कर दिया। अच्छा, नाली का निकास है और गेट भी बंद खुलता था हमारा। तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आवेदन ले लिया है। एसपी आपस में काहे के लिए आए आप? हम लोग के जो पड़ोसी हैं, हम लोग को हमला कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं और हम लोग को जान का बहुत खतरा, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। क्या नाम है उनका पड़ोसी का? प्रीतम सिंह ठाकुर। तो यहाँ एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? हम लोग को बात नहीं करने दी उनसे। अच्छा, बात नहीं हो पाई हम लोग की। आवेदन दे दिया है जी। तो किस कारण से? हम लोग के ऊपर हमला किया जा रहा है, जानलेवा हमला और धमकी दी जा रही है, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। नहीं, वजह क्या है? क्या वजह है? जगह पे ऐसे 3 फुट जगह, थोड़ी सी जगह है उसकी जी है। अच्छा, यहाँ एसपी ऑफिस किसका कारण से आए हो? प्रीतम सिंह ठाकुर हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है और हम लोगों के लिए दिन भर गाली गलौज करता रहता है। घर से बाहर निकलना हम लोगों को दूभर हो गया है। हम लोगों की मतलब स्वतंत्रता भंग हो चुकी है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे लिए सुरक्षा प्रदान की जाए और हम लोगों के ऊपर इन्होंने झूठा आरोप लगाया है तो हमारा पूरा परिवार परेशान है। नहीं, किस वजह से आरोप लगाया आपके लिए? पीछे नाली का निकास का पानी है, वो जगह भैया के नाम से हमारे भाई तहसीलदार ने हम लोगों के पक्ष में फैसला दे दिया है तो उस पर हम लोगों ने उनसे कुछ भी नहीं बोला। हम लोग तो ये चाह रहे हैं शासन की जो कार्रवाई शासन करेगा, हमें कुछ नहीं लेना देना आपसे। आप यदि दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे तो कोई मतलब नहीं हमारे लिए, शासन देगा हमारे लिए। तो फिर भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किए, परिवार को घर को घेर कर तलवार से कुल्हाड़ी से हमला किया। हम लोगों की तो किस्मत अच्छी रही कि हम लोग शटर लगा के अंदर कमरे में छुप के बैठ गए। अच्छा, फिर भी हम लोगों के साथ जाती हो रही, पुलिस ने वहाँ पर रिश्वत लेके पैसे वगैरह दे लिए पुलिस ने और कार्रवाई नहीं की जा रही वहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। एस पी साहब ने क्या आश्वासन दिया? कुछ भी टी आई साहब ने आश्वासन, बस हम लोगों को आगे हम लोगों से बोले कि आप लोगों को सुन लिया एक बार, अब कुछ नहीं होगा, आप लोगों को सुन लिया बस, अब जो कुछ है तो हो गया। आप लोगों का FIR उन्होंने लिखी है, वो भी सही तरीके से नहीं लिखी हम लोगों को, उल्टा हम लोगों पे अकाउंट का केस बना दिया उन लोगों ने। अच्छा, कितने लोग हो आप परिवार में? हम लोग परिवार में 3 भाई हैं, हमारे माँ बाप हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।